أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وَآتَدْنَا لهم عذاب السعير वजसज़ हज़रत ये आयत जो ख़ाकसार ने भी आपके सामने तलावत की है इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आसमान को चरागों के ज़रिए मज़ीन किया है ख़ूबसूरत बनाया है और इन चरागों को हमने शैतानों के पथराव का ज़रिया बनाया है और उन शैतानों के लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार किया है यानी आसमान के अंदर अल्लाह ने चिराग रखे हैं जो रोशनी भी देते हैं और शैतानों को पत्थर मार मार कर भगाते हैं इसी तरह की एक और आयत बल्कि आयात शुरह हिजर में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है जहाँ क़ुरान करीम की हिफाजत का ज़िक्र आया है उसमें भी यही मज़मून बयान हुआ है कि अल्लाह ताली ने इस कुरआन की हिफाजत फरमाई है और आसमान की हिफाजत फरमाई है लेकिन जो कोई चोरी छुपे कोई बात सुन लेता है फ़ात बाह मुबीन तो उसके पीछे एक रोशन रौशन शिहाब साकिब लगता है तो ये शहाब साकिब उन शैतानों को मार भगाते हैं लेकिन अमली तौर पर हम देखते हैं कि अगर ये ज़ाहरी आसमान के बारे में है तो ज़ाहरी तौर पर तो हमें आसमान में कोई शैतान नज़र नहीं आता कहीं पथराव होता हुआ नज़र नहीं आता और जाहिर ऐसी कोई चीज़ें नज़र नहीं आती जिससे ज़ाहिर होता है कि ये इस ज़ाहरी आसमान या ज़मीन की बात नहीं हो रही ये किसी और ज़मीन और आसमान की बात हो रही है ये दरअसल रूहानी कायनत का जिक्र है ये एक नई दुनिया है जो मजहबी दुनिया कहलाती है इसका एक अलग आसमान होता है और अलग ज़मीन होती है ये ये माहौल ही अलग है इसी तरह सूरह जिन में अल्लाह ताला जिनों का ज़िक्र करते हुए भी फ़रमाता है कि जिन आपस में गुफ्तू कर रहे हैं वह अन्ना लमसन समा कि हमने आसमान को छुआ है फवा जद हरसन शदीदन तो हमने क्या देखा कि इसमें शदीद किस्म के पहरेदार मौजूद हैं व शोहबन और शहाबे क़ब हैं जो पीछे लग जाते हैं और फिर वो कहते हैं वह अन्ना कुन्ना नक अदो ए मकाद इससे पहले भी हम इस आसमान के अंदर सुनने के लिए बैठा करते थे उस वक्त तो कुछ नहीं होता था फमहई यास्ता में आना लेकिन अगर कोई अब सुनने की कोशिश करता है आसमान की बातों को याजिद लाहू शहाबर रसादा तो एक शहाबे साकब को अपनी घात में लगा हुआ पाता है अब इन चीज़ों को मुफसरीन ने अजीब रंग दिया है ज़ाहरी तौर पर समझ कर वो उन्होंने एक अकीदा बना लिया बाज़ गलत रिवायात की बिना पर कि नाउज बिला मंजालक जब वही आसमान से नाजल होती है तो शैतान और जिन किस्म की चीज़ें वो आसमान में घात लगा के बैठी होती हैं जब वही उतर रही होती है तो वो तब्दील कर देती हैं वही को वहाँ से चोरी छुपे सुनती हैं और नबी तक पहुँचते पहुँचते उस वही को तब्दील तो कर देती हैं यहाँ से उन्होंने एकक़ीदा बना लिया कि नौज बिला मंजालक नबियों पर भी शैतानी इल्हाम हो जाता है कभी कभी हालांकि ये कतई तौर पर गलत है और कुरान करीम की दूसरी आयात इसकी वाज तौर पर नफ़ी फरमा रही हैं कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है मात नजलत बेहयाती के इसको शैतानों ने नाजल नहीं किया शैतानों का कोई अमल दखल इस वही के अंदर मौजूद नहीं है वम्बा यम्बा गिला हूँ ना वो इतने जोगे हैं व माया याति ना और ना उनकी इतनी इस्तात है और आगे वाज तौर पर फ़रमाया अनिसम ए लमाजुलून के वो इस वही को सुनने से दूर रखे जाते हैं तो जब कुरान करीम वाज़ तौर पर यह फ़रमा रहा है कि शैतानों का इसमें कोई अमल दखल नहीं तो ये किस तरह मुमकिन है कि फिर शैतानी वही किसी नबी के ऊपर नाजल हो जाए ये मुमकिन नहीं है जैसा कि मैंने अर्ज़ किया फिर इसका मतलब क्या है मतलब ये हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ने इसके ऊपर बहुत गहरी रोशनी डाली है कि ये ये इस आसमान की बात नहीं हो रही ये तो आसमान ही और है ये दुनिया और है ये रूहानी दुनिया है जिसके सूरज चाँद सितारे अल्लाह के नबी हुआ करते हैं उनको मानने वाली जमातें हुआ करती हैं और कुरान करीम में इस रूहानी कायनत का भी जिक्र है जिसके सूरज आ हज़ूर सल अल्लाह वसलम हैं बाकी अम्बिया भी इसके सितारे हैं क्योंकि कुरान करीम में आ हज़ूर सल्लम को वाज तौर पर सिराजन मुनीरा कहा गया है कि आप चमकते हुए सूरज हैं और आ आज़ूर सल्लम अपने सहाबा के बारे में बयान फ़रमा रहे हैं कि अाबी कजूमे फ़ाबे अ ये मुक्त तुम अहत तुम कि मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं जिसकी भी तुम पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे तो आ आज़ूर सल्ला वल् को सूरज करार दिया आपके सहाबा सितारे करार पा रहे हैं आप सब के जहन में होगा कि हज़रत अलैहिस्सलाम का ख्वाब कुरान करीम में बयान हुआ है क्या ख्वाब था कि आपने ख्वाब देखा कि सूरज चांद और ग्यारह सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं उन सूरज चांद सितारों से क्या मुराद था वो भी एक रूहानी आसमान था उसमें आपके वालद मुराद थे आपकी वालदा मुराद थी आपके भाई मुराद थे जिन्होंने भाइयों ने अगरचे जुल्म किया लेकिन बिल आकर आके आपको उनको सजदा करना पड़ा उस कायनात के अंदर शामिल होना पड़ा तो ये चीज़ें जाहिर हो रही हैं मालूम होता है इन बातों से कि अल्लाह के हजूर एक ज़ाहरी आसमान है एक ज़ाहरी कायनात है और एक रूहानी कायनात है दोनों पैरेल चल रहे हैं और रूहानी कायनात दर हकीकत असल कायनात है ये कायनात तो फ़ानी है हाँ उस रूहानी कायनात का नक्शा समझाने के लिए अल्लाह तला हमें इस जिसमानी कायनात की मिसालें देता है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का सामान फरमाया हुआ है इसी तरह अल्लाह रूहानी कायनात की भी हिफाजत किया करता है दोनों को छोड़ा नहीं है इस कायनात के अंदर देखें कि दो निज़ाम हैं पैरेल चल रहे हैं जाहरी दुनिया में भी सूरज चाँद सितारे हैं यहाँ भी ज़मीन है आसमान भी है लेकिन इस ज़मीन के ऊपर वो लोग जो ज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका खुदा की ज़ात से ताल्लुक नहीं है बेानसाफ़ लोग खुदा का खौफ ना रखने वाले लोग बेईमान लोग जो दूसरों के ऊपर जुल्म करते हैं इनफरादी तौर पर भी जुल्म करते हैं तौर पर भी जुल्म करते हैं दूसरों के ऊपर पाबंदियाँ लगा देते हैं दूसरों की दौलतों पर नाजायज़ कब्जा कर लेते हैं ये ऐसे शैतान हैं ये दरअसल वो जिन हैं जिनको अल्लाह ने एक हद तक ढील दी हुई है कि इस जमीन की हद तक तुम्हें ढील है कर लो जो करना है आप चाहे इंफरादी तौर पर भी होता है माड़ा बंदा उसके ऊपर हर कोई चढ़ाई कर देता है वो अनवर मसूद ने पंजाबी में कहा है कि मुल्क होमन या मोहल्ले माड़ियाँ की जीवन है शेर हो जाते ने हमसाए भी लिसा वेख के तो इंफरादी तौर पर भी जुल्म होते हैं माड़े बंदे मार खाते रहते हैं और इज्तमाही पर ताकतवर कौमें कमज़ोर कौमों पर जुल्म कर रही हैं आज देखें ताकतवर कौमों ने क्या है किसी के ऊपर पाबंदियाँ लगा देते हैं कि ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी इमदाद बंद कर देते हैं ग़रीब मुल्कों की दौलत उनकी अपनी होती है उसके ऊपर जाके कब्ज़ा कर लेते हैं तो लेकिन इस ज़ाहरी दुनिया के अंदर भी अल्लाह ने एक हिफाजत का सामान पैदा किया है अल्लाह यहां तक ढील दे देता है कि ठीक है तुम उनकी दौलत पर कब्जा कर लो उन पर जुल्म कर लो उन पर पाबंदियाँ लगा लो लेकिन जो आसमान से ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं उन तक तुम्हारी रसाई नहीं होगी मुझे यह है सूरज सब पर चमकेगा वह आसमान से ताल्लुक रखता है उसकी रोशनी को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती चाहे वो सुपर ताकत है या गैर सुपर ताकत है कि फ़ला मुल्क के ऊपर सूरज नहीं चमकेगा ये कोई नहीं कर सकता ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है फ़लाँ मुल्क के ऊपर बारिश नहीं बरसेगी ये कोई पाबंदी नहीं लग कर सकता अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है फ़लाँ मुल्क के ऊपर हवा बंद कर देंगे ये कोई नहीं कर सकता अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है फ़लाँ मुल्क पर हम दिन नहीं चढ़ने देंगे हमेशा रात रखेंगे या हमेशा दिन रखेंगे रात नहीं रखेंगे ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है ये जाहरी दुनिया है तो ये मिसालें अल्लाह दे रहा है कि जमीनी हद तक तो मैं ढील देता हूं लेकिन जब आसमान का मामला आता है ना फिर दुनिया का कोई ताकतवर कितना ही ताकतवर हो वो मेरी कायनात के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकता ऐसा ही रूहानी दुनिया है रूहानी दुनिया में भी जिसके सूरज अंबिया होते हैं उनके मानने वाले सितारे होते हैं तो यहां ये इसी का फरमाया कि ज़ाहरी तौर पर जब नीचे वही आ जाती है अल्लाह के नबी के ऊपर नाजल हो जाती ये जो मौलवी कहता है कि आसमान में घात लगा के बैठते हैं शैतान ये बात गलत है आसमान से अल्लाह तक अम्बिया तक वही बगैर किसी रोक टोक के आती है वहाँ कोई दखल अंदाजी आसमान पर किसी को दखल नहीं हाँ जब नबी के ऊपर वही नाजल हो जाती है और वह नबी के मानने वाले होते हैं नबी खुद भी उसके मानने वाले भी दूसरों को वो वही पहुंचाते हैं खुदा का पैगाम पहुंचाते हैं तो फिर इसी तरह जैसे ज़ाहरी निज़ाम में होता है दुनियादार लोग उस वही को लेते हैं त्रोड़ मरोड़ के अपने मतलब के मुताबिक पेश करके लोगों को वरगलाते हैं गलत रास्ते पर लगाते हैं यहाँ तक अल्लाह ढील देता है कर लो हज़रत मसीह सलाम की तहरीरें किस तरह गलत अंदाज़ में पेश की जा रही हैं आप जानते हैं आपके इलाहाम को किस तरह गलत अंदाज़ में पेश किया जा रहा है आप जानते हैं कुरान करीम की आयात से गलत नतीजे निकाल के कभी जिहाद के बारे में कभी औरतों के बारे में कभी किसी बारे में किस तरह गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आप जानते हैं ये सब ठीक है यहाँ तक अल्लाह ढील दे रहा है लेकिन खुदा रहा है कि देखो जिस तरह ज़ाहरी आसमान में नीचे तक ज़मीन तक तो तुम्हें ढील है पर जो आसमान पे है वहां तुम नहीं पहुंच सकते इसी तरह ये रूहानी कायनात है जिसके सूरज चांद सितारे मेरे अंबियार उनके मानने वाले हैं इस दुनिया में तुम उनके ऊपर जुल्म कर सकते हो उनको शहीद कर सकते हो उनके घरों को जला सकते हो उनके घरों को बर्बाद कर सकते हो उनकी इज्जतों से खेल सकते हो उनके माल लूट सकते हो सब कुछ कर सकते हो तुम्हें ढील है लेकिन जो आसमान पर करार पा चुका है वो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि उसको रोक सको ये मुमकिन नहीं है कि खुदा के नबी जो वही लेकर आते हैं जो मंसूबा लेकर आते हैं जो मिशन लेकर आते हैं उस मिशन को जमीनी ताकतें बर्बाद कर दें ना ये नहीं हो सकता खुदा की खुदाई खत्म हो जाए फिर तुम तो। खुदा फरमाता है कताबल्ला वसूली कि खुदा ने यह फर्ज कर छोड़ा है कि मैं और मेरे रसूल जरूर गाल पाएंगे ये गलबा तुम्हारे हाथ में नहीं है ये तुम नहीं रोक सकते तुम उनको तकलीफें दे लो जितनी देनी है ये कर सकते हो इससे ज्यादा नहीं तो ये दरअसल मतलब है इन आयत का जहां जिन कहते हैं कि हम पहले बैठा करते थे आसमान में उस वक्त तो बातें सुन लिया करते थे लेकिन अब बैठते हैं तो कोई शहाबेस आके पीछे लगा होता है कब बैठा करते थे उस वक्त जब खुदा का नबी नहीं आया होता जब पहले नबी की तालीम को जमाना गुजर जाता है उस वक्त लोग उस वही को उस किताब को लेकर गलत अंदाज में पेश कर रहे होते हैं और उस वक्त फिर अल्लाह ढील दिए रखता है बिला रोक टोक ये सिलसिला जारी रहता है लेकिन जब मामला से गुजर जाता है फिर अल्लाह अपना नबी भेजता है फिर उसके मानने वाले होते हैं एक जमत कायम होती है वो जमात सहाबा की तरह होती है वह शहाबे सा बनते हैं फिर इनको फिर वो कहते हैं कि अब हम जब ये बात सुनने की कोशिश करते हैं तो किसी ना किसी शहबिब को अपनी खात में लगा हुआ देखते हैं तो फिर उनको ये इजाज़त नहीं दी जाती कि फिर वो गलत तरीके से उन गलत आयत को कोट करके फैलाएं और इस्लाम के मुतल बदजनियाँ फैलाएं अहमदियत के मतलब बदजनिया फैलाएं ये इजाज़त फिर अल्लाह नहीं देता फिर खुदा का वो नबी जो खुदा की तरफ से आता है फिर उस नबी के मानने वाले शहाब साकिब बनकर जहां जहां यह दुश्मन जाएगा जहां जहां गलत प्रॉपिकंडा करेगा वहां खुदा के नबी और उसके मानने वाले खलीफा वक्त की क्यादत में उन शहा साकिब बनकर उनका पीछा करेंगे नारा चुनाचे पेश के मुताबिक हज़रत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला आए सहराया अरब जो एक अंधेर नगरी था वो उस नूर की रोशनी से किरणों से जगमगा उठा और अल्लाह ने कैसा गलबा आता फरमाया फिर उसके बाद एक पेश गोई भी थी कुरान करीम में फ़रमाया वज़ा शम्स के एक वक्त आएगा ये शम्स ये सूरज माँ पड़ जाएगा ढाँप दिया जाएगा वैज़न नजूम उनका दर्द और ये जो सितारे हैं सहाबा हैं रब्बानी उलामा हैं ये भी कम हो जाएंगे इनकी रोशनी भी मान पड़ जाएगी लेकिन फिर क्या होगा क्या ये हमेशा के लिए होगा नहीं तो जब सूरज ढांप दिया जाए जब सितारे मान पड़ जाएं फिर वही जिन और शैतान उन आयात को लेके गलत प्रोपेगेंडा करते हैं फिर दूसरे मज़ाहब हमले कर रहे होते हैं फिर चूंकि आसमान से मदद नहीं आ रही होती तो उस वक्त उनको ये ढील दी जाती है कि ठीक है अब फैला लो चुनाचे फिर हज़रत अख्तस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसल्लम ने यह पेश गोई फरमाई थी कि फिर मेरा ही मसील मेरा ही ग़ुलाम फिर दुनिया में शहबिब बनकर आएगा मेरा मसील बनकर आएगा फिर उसकी जमात कायम होगी उसके सहाबा मेरे ही सहाबा की तरह होंगे और वो फिर शहाबाकिब बनकर इन दुश्मनों पर टूट पड़ेंगे इनके हमलों का मुँह तोड़ जवाब देंगे इनके दांत खट्टे कर देंगे वो लोग जो इससे पहले इन आयात के ऊपर हमले किया करते थे जो खुदा की खुदाई के ऊपर हमले किया करते थे जो खुदा के रसूल के ऊपर हमले किया करते थे जो कुरान के ऊपर हमले किया करते थे इस तालीम के ऊपर हमले किया करते थे जब वो शहाबाकब आ जाएगा और उसकी जमात कायम हो जाएगी फिर इनको ये इजाज़त नहीं दी जाएगी वो इनके ऊपर साकिब बनकर गिने और इनके हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे चुनाचे आज अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की ये पेश कोई पूरी हुई और सुम अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें उस जमात में शामिल होने की तोफ़ी कतः फरमाई लेकिन जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है ये सारी तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि हम उस सूरज के मसील को मानने वाले हैं जिसका खलीफा आज भी हमारे अंदर मौजूद है और खुदा की ये नेमत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम में जारी फरमाई है और हमें उसको मानने की तोहफ़ी अतः फ़रमाई है लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मान लेना काफ़ी है हम तो साकिब हैं हमें अल्लाह ने यह ड्यूटी अता फरमाई है कुरान करीम में इसका जिक्र फरमाया है और जो आयत मैंने पढ़ी है उसमें साकिब के दो काम बताए हैं जयन्ना हमने मुजैन किया है खूबसूरत बनाया है उनको चराग बनाया है चराग खुद जलता है रोशनी देता है खूबसूरत लगता है इर्द गिर्द के माहौल को भी खूबसूरत करता है तो अगर हम साकिब हैं उस सूरज के मानने वाले हैं उस सूरज की रोशनी को आगे लेकर चलने वाले हैं तो हमें अपने गिरबान में झांक के देखना पड़ेगा कि वाकई हम रोशन हैं हमारे इर्द गिर्द के माहौल हमसे रोशन हो रहे हैं या नहीं या अंधेरे हो रहे हैं इस रोशनी से मुराद इस जीनत से मुराद खूबसूरती से मुराद कपड़े पहन लेना मेकअप कर लेना नहीं है ये आमाल की खूबसूरती है और दूसरा जो मकसद बयान किया है रजूमन लिया कि जब शैतान हमले करेंगे उन पर साकिब बनकर गिरेंगे उन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इस्लाम की खूबसूरत तालीम इन लोगों के सामने पेश की जाएगी ये हमारा काम है और इसी मकसद के लिए दर हकीकत हजरत मसीह मऊद असलात वाम तशीफ लाए हैं तो सबसे पहले हमें अपना किरदार देखना होगा अल्लाह ताला हमें इन मुल्कों में लेके आया है जहां हर किस्म की आज़ादी है क्या इस आज़ादी से फायदा उठाकर हम गलत रास्ता इख्तियार कर लें खुदा से दूर जाने वालों में शामिल हो जाएं या इनको खुदा की तरफ हमने खींचना है अगर इनको खुदा की तरफ खींचना है तो हमें अपना किरदार खूबसूरत बनाना होगा यह खुदा ने हजरत मसीह मऊद सलाम की जमात के साथ वाबस्ता कर दिया है कि दुनिया में इज्जत वाली जमात अगर होगी तो वह जमात अहमदिया होगी कितने ही वाकियात हैं हजरत मसीह सलाम के दौर में भी लोग आए कादियान को देखते थे खलाफा के दौर में लोग कादियान को देखते थे सहाफ़ी आते थे वो क्या नक्शा कादियान यान कर ले पेश करते थे हैरत होती थी कि एक छोटी सी बस्ती वो लिखते थे कि हैरत है कि इस छोटी सी बस्ती में हम सुबह को निकले हैं तो हर घर से कुरान करीम की तलावत की आवाज़ें आती थी दयानत में वो मशहूर थे खुश अखलाक़ी में वो मशहूर थे कौन सी सिप थी जो उनके अंदर नहीं पाई जाती थी हमें यह देखना है कि आज हमारे अंदर वो सिफ्तें मौजूद हैं या उनको छोड़ बैठे हैं एक दो वाक़ हजरत मसीह वसलाम की इस प्यारी जमात में पेश आते हैं जो जमात की इज्जत है दरअसल हमें हर एक को ये याद रखना चाहिए हर एक हम में से जमात का सतून है हम जहाँ अपनी इज्जत हमारी होगी वो हमारी नहीं हमारी जमात की इज्जत समझी जाएगी लेकिन अगर हम कोई गलत काम करते हैं वो गलत काम भी ये नहीं कहेगा कोई कि वो जैद कर रहा था या बकर कर रहा था वो कहते हैं एक आहमदी कर रहा था मिर्जाई कर रहा था नौज बिल्ला मिजालिक तो ये चीज़ें हमें पेश नज़र रखनी चाहिए अगर कोई नेकी करता है तो वो भी हमारी जमात की नेकी तसवर होती है पाकिस्तान में हमारे सांगड़ के काय साहब ज़िला वो बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैंने पहली नई गाड़ी खरीदी ज़ीरो मीटर बिल्कुल और मैंने ये तहैया किया था कि इसके ऊपर सबसे पहला सफ़र जमती सफर करना है रबा में मीटिंग थी तो कहते मैं वो गाड़ी ले कर रबा में आया वापस जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी मिसिंग करने लग पड़ी गाड़ी ने मिसिंग की मुझे परेशानी हुई कि गाड़ी तो बिल्कुल नहीं है इसको ख़राबी क्या हुई है तो रास्ते में जो शहर आया मैंने वहाँ पर पूछा कि यहाँ कोई मिस्त्री है उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ करीब फला मिस्त्री है उसके पास मैं चला गया वो कहते मैंने उसको जाके गाड़ी दिखाई उसने गाड़ी चेक की वो कहने लगा जी गाड़ी तो आपकी बिल्कुल ठीक ठाक है इसमें कोई मसला नहीं है कहता है असल प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोल जो इस गाड़ी के अंदर है वो दो नंबर है और उस पेट्रोल की वजह से गाड़ी मिसिंग कर रही है पेट्रोल चेंज करवाएं असली पेट्रोल इसमें डलवाएं तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी इसमें मसला कोई नहीं कहते मैंने पूछा मैं तो अजनबी हूँ यहाँ कहाँ पे सही पेट्रोल मिलेगा वो कहता है जी यहाँ शहर से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे आठ दस किलोमीटर पे मिर्जाइयों का पेट्रोल पंप है वहां से आपको एक नंबर पेट्रोल मिल जाएगा दिर्वार। दिर्वार। कहते मुझे इंतहाई खुशी हुई मैंने फिर उसको जान के मैंने कहा यार कोई मुसलमानों का पेट्रोल पंप बताओ कहता जी माजरत के साथ हैं तो काफी लेकिन एक नंबर नहीं मिलेगा कहते मैं खुशी से वहां से गाड़ी मैंने चलाई मैं वहाँ गया जो मुलाजम था उससे पेट्रोल डलवाया मैंने सोचा कि इसके मालिक से मिल के जाऊँगा उसको मुबारकबाद दे के जाऊँगा मैंने उससे पूछा कि मालिक कहाँ उन्होंने कहा जी अंदर बैठा है मैंने कहा उसको बताओ कि मैं मिलना चाहता हूँ तो वो चाय पी रहे थे उन्होंने कहा जी आ जाएँ मुझे भी चाय पेश की तो मैंने उनको असल बात बताई कि जी मैं तो इस सिलसिले में आपको मुबारकबाद पेश करने के लिए आया हूँ वो कहते उसका रिस्पॉन्स कुछ मिला जुला सा रिस्पॉन्स था मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये उस तरह जिस तरह खुश होना चाहिए उस तरह खुश भी नहीं हो रहा तो बस अजीब सी उसकी कैफियत लग रही है बहर हाल कहते मैंने चाय पी कुछ बातें की जब मैं उठ के आने लगा मुसाफा किया उससे वो कहने लगा जी माजरत के साथ एक बात अर्ज करूं मैंने कहा जी फरमाइए कहता मैम दी नहीं कहता बात ये है मैंने ये पेट्रोल पंप को छः महीने साल छः महीने साल पहले एक अहम से खरीदा है ये सारी नेक नामी उस बंदे की है ख़रीदने के बाद मैंने अपना नाम इस पर लिख के इसलिए नहीं लगाया कि कारोबार का बटा बैठ जाएगा कहते जी उसने बेच दिया है लेकिन नाम हम उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये किरदार है एक अहमदी का एक लेडी डॉक्टर साहबा बयान करती हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज में जब थी हमारे प्रोफेसर ने हमें वो लेक्चर देने के लिए जब आए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो मेडिकल के बारे में सारा कुछ जानता हो डॉक्टर को खुश अखलाक भी होना चाहिए वो कहता है कि बात ये है मेरा प्राइवेट क्लिनिक है क्लास में वो प्रोफेसर बात बता रहा है उस क्लिनिक पे मैं मरीजों को चेक करने के बाद आखिरी मरीज़ रह गया मैंने मुलाजम से कहा कि गाड़ी तैयार कर दो बस ये मरीज निकाल देख के तो मैं निकलने लगा हूँ मरीज को चेक करके जब मैं वापस निकलने लगा तो वो मरीज भी जा रहा था मैंने उसको कहा यार कहाँ जाना है आपने उसने बताया कि फलां जगह जाना है मैंने कहा जो मेरे साथ मैं आपको छोड़ देता हूँ उसको मैंने अपने साथ बिठा लिया तो जब उसकी मंजिल आ गई मैंने उसको उतारने उतारने लगा तो वो कहने लगा जी माजरत के साथ एक बात पूछूं मैंने कहा जी पूछें कहते आप कादियानी तो नहीं हैं कहते मैं बड़ा हैरान हुआ मैंने कहा भाई मैं कादियानी तो नहीं हूं लेकिन आपकी ये बात कादियानियों के लिए एक बहुत बड़ा खराज तहसीन है जो मेरे दिल में आप छोड़ के जा रहे हैं दान दान इसी तरह एक और वाक कि वहाँ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है जहाँ हमारे मुरबियान भी पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ मुरबियान एक क्लास में थे तो पहला दिन जो होता है आम तौर पर बाक़फियत का होता है सलाम दुआ का होता है तारुफ का होता है तो वहाँ एक तलब इिल ने पूछा जी आप किस तरह सीख रहे हैं उन्होंने कहा जी हम तो अहमदी हैं जमात अहमदिया की खिदमत के लिए ज़ुबान सीख रहे हैं उसने पूछा एहदी कौन होते हैं तो मुरवी साहब ने हैरानगी से पूछा पाकिस्तान में रहते हो तुम्हें एहमदियों का नहीं पता कहते नहीं मैंने नाम तो सुना हुआ है उन पूछा कि नाम किस है, किस हवाले से सुनाया आपने तो वो कहने लगा मैंने अपने अबू से सुना कि जो अहमदी होते हैं ये बड़े पढ़े लिखे नेक और शरीफ लोग होते हैं बाकी जो बातें हुई सो हुई लेकिन जो बात अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे असलाफ ने जो नाम छोड़ा है वो ये नाम छोड़ा है कि एक ऐसा बंदा जिसको ये नहीं पता कि जमात अहमदिया के अकायद क्या हैं उसकी तफसील क्या है इतना वो भी जानता है कि जमात अहमदिया के अफराद पढ़े लिखे नेक और शरीफ लोग हैं हजरत मुस्लिम मऊद रजील फरमाते हैं हम तो जिस तरह बने काम किए जाते हैं आपके वक्त में ये सिलसिला बदनाम ना हो आज हमें इस बात पर गौर करना है कि हम जो काम कर रहे हैं ये तो जो हुआ वो हमारे बुजुर्गों ने छोड़ा था आज जो हम कर रहे हैं हमारे बच्चे आने वाले क्या वो हमारे बारे में ये राय सुन सकेंगे या नहीं सुन सकेंगे ये आज हमारे सोचने की बातें हैं कि हम कौन सा किरदार इस जमात के लिए छोड़ के जा रहे हैं एक तो ये है कि अपने अमाल को खूबसूरत करना है दूसरी चीज़ जो अहम है वो ये कि आज जिन मुल्कों में हम बैठे हैं इन मुल्कों में हम सैर सपाटा करने तो नहीं आए अल्लाह का मकसद है कोई जिस जो हमें इन मुल्कों के अंदर लेके आया है आज दुनिया खुदा से दूर हो रही है खुदा के रसूल से दूर हो रही है उसकी किताबों से दूर हो रही है आज रहमान खुदा और शैतान की एक जंग जारी है इस जंग के लिए हज़रत मसीह मऊदलात वसलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है और हज़रत मसीह मऊद सलात जिस मकसद के लिए आए हैं हमारा फ़र्ज है कि दुनिया के जिस मुल्क में भी जाएं उस मुल्क में उस तालीम की खूबसूरती को पेश करें और दूसरा उस मुल्क के अंदर जहां भी खुदा के ऊपर हमला है वहाँ शहाबि साब बन जाएँ जहां खुदा के रसूल के ऊपर हमला है वहां शहाब सा के बन जाएँ जहां खुदा की किताब के ऊपर हमला है वहां हम मुंह तोड़ जवाब देने वाले बन जाएँ यह हमारा फर्ज है अपनी इज्जत के साथ साथ इस्लाम की इज्जत को कायम करें अपनी इज्जत के साथ साथ अहमदीत की इज्जत को कायम करें अगर हम ये नहीं करते तो हम अपने फर्ज को अदा करने वाले नहीं हैं और उन तमाम बरकतों से नाउज भी महरूम होने वाले हैं जो अल्लाह ताला ने इस काम के साथ वाबस्ता की हैं हजरत मसीह मऊद असलातम की आमद का मकसद क्या है हजूर फरमाते हैं खुदा तला चाहता है कि उन तमाम रूहों को जो, जो जमीन की मुतफरक आबादियों में आबाद हैं क्या यूरोप और क्या एशिया ज़मीन की मुतफर्रक आबादियों में आबाद होने वाली रूहों की बात कर रहे हैं फरमाया क्या यूरोप और क्या एशिया इन सब को जो नेक फितरत रखते रखते हैं तोहद की तरफ खींचे और अपने बंदों को दीन वाद पर जमा कर करे यही खुदा ताला का मकसद है जिसकी खातर मैं दुनिया में भेजा गया हूँ ये मकसद है हजरत मसीह मऊदा असलात वाम का कि यूरोप के लोगों को भी खुदा की तरफ बुलाना है जो खुदा से दूर जा रहे हैं और आज़ुर सल्ला वसलम ने भी पेश गोई की थी कि जब इमाम महदी आएगा ततलाउ शमसो में मगरबे सूरज मगरब से तलु होगा मौलवी कहते हैं कि जी इमाम महदी की निशानी ये वाला सूरज सूरज कौन सा खुदा के बंदो गौर करो वो सूरज जो कुरान ने जिस सूरज को पेश किया है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल वसलम की तालीम का सूरज है यह सूरज आजूल ने फरमाया था कि इमाम महदी के ज़माने में मगरब से तलु करेगा और हज़रत मसीह मऊद साम तो ने यही नया आसमान और नई ज़मीन पैदा की है और यह है नया निज़ाम जो रूहानी निज़ाम है हजरत मसीह तो वसलाम फरमाते हैं कि नई जमीन होगी और नया आसमान होगा अब वो दिन नज़दीक आते हैं जो सच्चाई का आफ्ताब मगरब की तरफ से चढ़ेगा और यूरोप को सच्चे खुदा का पता चलेगा अब ये सच्चे खुदा का पता हमने चलाना है हज़रत मसीह मऊदत वसलम फरमाया था कि मैं तो एक तुफम रेजी करने आया हूँ सो मेरे हाथ से ये तुफम बोया गया अब ये बढ़ेगा और फूलेगा और कोई नहीं जो इसको रोक सके कोई नहीं जो इसको रोक सके ये दुनियादार लोग दुनिया में तकलीफें दे सकते हैं दुनिया में रुकावटें पैदा कर सकते हैं लेकिन जो आसमान पर करार पा चुका है वो हजूर ने फरमा दिया है कि कोई नहीं जो इसको रोक सके रोकेगा कोई नहीं तो खुदा तला आज जो हमको यहाँ लेके आए आया है यूँ ही नहीं लेके आया खुदा के इरादे बड़े अजीब इरादे होते हैं इंसान सोचता कुछ है करता कुछ है लेकिन खुदा तला किसी और इरादे से उससे कोई काम करवा रहा होता है हज़रत मसीह मऊदात का एक इल्हाम है कि मैंने देखा कि मैं लंदन में एक मेंबर पर खड़ा हूँ और अंग्रेज़ी ज़ुबान में एक मुदल बयान से इस्लाम की सदाकत ज़ाहिर कर रहा हूँ बाद इसके मैंने बहुत से परिंदे पकड़े जो छोटे छोटे दरख्तों पर बैठे थे और उनके रंग सफ़ेद थे सो मैंने इसकी ताबीर ये की कि अगरचे मैं नहीं मगर मेरी तहरीरें उन लोगों में फैलेंगी और बहुत से रास्तबाज अंग्रेज, अंग्रेज़ अंग्रेज़ सदाकत का शिकार हो जाएंगे अब ये इल्हाम सवा सौ साल पहले हज़रत मसीह मौदात को हुआ था ये ख्वाब आपने देखा था अब इसके बाद हज़रत खलीफ़ा मसीह हिजरत करते हैं उन्नीस सौ चौरासी में और आके इस मेंबर कौन सा मंतखब होता है लंदन का और उसके बाद इस्लाम की सदाकत पर जितने हमले किए गए हैं वो अल्लाह के फजल से ख़लीफ़ा वक्त ने वहाँ से उसका जवाब दिया है सलमान रुशदी किताब लिखता है उसका जवाब ख़लीफ़ा वक्त शहाबे साकेब बनकर उस मेंबर से देता है इस्लामी ममालक पर हमले हो रहे हैं उसकी कली खलीफा वक्त उस मेंबर से करते हैं नार्वे में कार्टून छपते हैं उनका जवाब उस मेंबर से दिया जा रहा है पोप इस्लाम पर हमले करता है तो उसका जवाब उस मेंबर से दिया जा रहा है इस्लाम की खूबसूरत तालीम पेश की जा रही है तो उस मेंबर से की जा रही है लेकिन हिजरत तो इस नीयत से नहीं की गई थी हिजरत करवाने वालों ने तो ये सोचा था कि खलीफा वक्त को जमात से काट दिया जाए इनकी तबलीग को बंद कर दिया जाए ताकि ये इस्लाम की सदाकत में दलाइल ना दे सकें लेकिन अल्लाह हालात इन हालात के अंदर खलीफा वक्त को वहाँ से हिजरत करवा के लंदन के इस मेम्बर के ऊपर ला के बैठा देता है और वो लोग जिन्होंने तबलीग का रास्ता काटने की कोशिश की थी जिन्होंने जमात से खलीफा वक्त को काटने की कोशिश की थी आज खलीफा वक्त हमारे सामने और हम खलीफा वक्त के सामने हैं आज तबलीग खुदा के फजल से सारी दुनिया में खलीफा वक्त की आवाज़ पहुँच रही है कहां तक ये दीवारें उठाएंगी तो ये देखें कि जो जमात से खलीफा वक्त को काटना चाहते थे उन्होंने खुदा ने खलीफा वक्त को हमारे कितना करीब कर दिया जो जमात के रास्ते में दीवारें उठाना चाहते थे उन दीवारों को किस तरह खुदा ने चूर चूर कर दिया किसी शायर ने कहा था हम तो खुशबू हैं हमारा रास्ता रोकेगा कौन किस बुलंदी तक ये दीवारें उठा ले जाएगा ये दीवारें जितनी बुलंद होती जाएंगी हमारा खुदा उससे कहीं बुलंद है वो हमें अपने साथ साथ उठाता चला जाएगा ये मुमकिन नहीं है कि ये ज़मीनी लोग आसमान पर करार पाने वाले मंसूबों को अपनी अपने मंसूबों से रोक रोक सकें फिर ये देखें कि खुदा तला का ये इल्हाम के मैं खड़ा हूँ उस मेम्बर के ऊपर सवा सौ साल के बाद खलीफा वक्त के यहाँ तशीफ लाने की सूरत में पूरा हो रहा है आज आप भी एक बात याद रखें कि अल्लाह आपको लेके आया है आप में से हर कोई अपना अपना मकसद लेके आया होगा कोई रुपया पैसा कमाने के लिए एजेंट को पैसे दे के आया है कोई नौकरी करने आया है कोई पढ़ने के लिए आया है हर एक के अपने इरादे हैं खलीफा वक्त ने जब हिजरत की थी तो इसलिए नहीं की थी कि मैं इस इल्हमाम को पूरा करने जा रहा हूँ वह हिजरत के वजूहत और थी लेकिन अमलन खुदा इस इल्हाम को पूरा करवाना चाहता था और हो रहा है आपने हिजरत किस गरज से की है पैसे की खातर की है नौकरी की खातर की है तालीम की खातर की है वो अपनी जगह लेकिन याद रखो खुदा आपसे कोई और काम लेना चाहता है नरात वो मकसद जिसकी खातर हजरत मसीह मऊद सलाम को भेजा गया था आज खुदा ने वो ज़िम्मेदारी हम यूरोप की तरफ आने वालों के ऊपर डाली है लेकिन अब हमारा इम्तिहान है कि हम यूरोप में आके किस साइड पे जाते हैं वो बरकतें जो हजरत मसीह मऊद सलाम के साथ अल्लाह ने रखी हैं वो सारी बरकतों के हम वारिस होंगे अगर उस रास्ते की पैरवी करते हैं लेकिन अगर इस यूरोप में आने की वजह से गलत फ़ायदा उठाकर गलत रास्तों पर जाते हैं तो उन तमाम बरकतों से नौज बिल्ला महरूम होने वाले भी हम होंगे अल्लाह हमें इस चीज़ से बचाए तो हज़रत मसीह मऊदा सलाम फ़रमाते हैं कि हमें इतफ़ाक़ नहीं हुआ कि अंग्रेज़ी में पढ़ लिख सकते अब देखें अब मुख्तलिफ इलाकों में हैं जर्मनी में भी हैं स्विटरलैंड में हॉलैंड में बेल्जियम में यूरोप कैनेडा अमरीका मुख्तलिफ इलाकों में अल्लाह ने छटा दे दिया है जमात अहमदिया का बिखर बखेर दिए हैं ये साकिब दुनिया के कोने कोने के अंदर इस्लाम की हिफाजत के लिए और इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह ताला हज़रत मसीह मऊद असलातलाम की इन बरकत में आपको दरअसल शामिल करना चाहता है किस तरह हजूर फरमाते हैं हमें इतफ़ाक़ नहीं हुआ कि हम अंग्रेज़ी में लिख पढ़ सकते अगर ऐसा होता तो हम कभी भी अपने दोस्तों को तकलीफ़ ना देते मगर इसमें मसलहत यह थी कि ता दूसरों को सवाब के लिए बुलाएँ यानी अगर अंग्रेज़ी नहीं आई अगर होती तो हम तो आपको तकलीफ़ ही ना देते जोर फरमाते मैं ही कर लेता सारा कुछ लेकिन अल्लाह चाहता है कि इस सवाब में दूसरों को भी शामिल करें वरना मेरी तबीयत तो ऐसी वाक़ हुई है कि जो काम मैं ख़ुद कर सकता हूँ उसके लिए दूसरे को कभी नहीं कहता बस ये स्वब हासिल करने का वक्त है ये हज़रत मसीह महदिस्लम फ़रमा रहे हैं आज अल्लाह हमें लेके आया है मसला सिर्फ अंग्रेज़ी का जिक्र किया लेकिन अमला अंग्रेज़ी मुराद नहीं अमला हर वो ज़ुबान मुराद है जिस ज़ुबान के जिस मुल्क के अंदर आप आए हैं तो आज वो ज़ुबानें सीखें और इस्लाम और हज़रत मसीह मऊदातम का पैगाम ये दुनिया के कोने कोने के अंदर पहुँचा दें और इस्लाम के ऊपर और इस्लाम के बानिया इस्लाम के ऊपर और कुरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उन हमलों का जवाब देने के लिए तैयार रहें और डट जाएं इस मफहम के अंदर कि जहां भी इस्लाम पर होगा हमला होगा जहां आ हज़ूर सल्म की ज़ात पर हमला होगा जहां कुरान पर हमला होगा हमें खुदा ने मबूस ही इस बात के लिए किया है हमें खुदा ने भेजा ही यहां इस बात के लिए है कि हम इन श्लाजीज दीन का हासिल करके उन हमलों का जवाब देंगे तो ये एक मकसद है टाइम चूँकि ज़्यादा हो रहा है मैं अपनी तकरीर को अब समेटने की कोशिश करता हूँ कि हज़रत मुस्लिम माउद रजी अल्लाह तौ जब उन्नीस में हजूर ने तहरीक जदीद कायम की थी उस वक्त हजूर की ख्वाहिश थी कि मुरबीन से तो ये काम पूरा नहीं हो सकेगा कितने मुरबियान कि एक मुल्क में एक दो मुरबी दो चार हो जाएं, वो सारे मुल्क तक नहीं ये काम कर सकते इसके लिए हर बच्चे को मुबलक बनना पड़ेगा उन मुरबियान की मदद करनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ तावन बढ़ाना पड़ेगा ताउन के साथ ये काम चलते हैं उस वक्त उन्नीस में फिर हजूर ने खुतबा देते हुए जमात अहमदिया के अफराद से ये फरमाया था खुद दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में हिजरत करने की कोशिश करें लेकिन उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे आज खुदा ने ये हालात तुम्हारे लिए पैदा कर दिए आज हम दुनिया के कोनों में पहुँच चुके हैं तो आज हजरत मुसलम रजी अल्लाह तक के इस पैगाम को याद रखें कि जहाँ जहाँ आप गए हैं अपनी इज्जत के साथ इस सिलसिले की इज्जत को ना भूलें हजूर फरमाते हैं फैल जाओ मशरक में फैल जाओ मगरब में फैल जाओ शिमाल में और फैल जाओ जनूब में फैल जाओ चीन में और फैल जाओ जापान में और अमेरिका में दुनिया का कोई कोना ऐसा ना हो जहां तुम ना हो जहां तुम जाओ अपनी इज्जत के साथ इस सिलसिले की इज्जत को कायम करो अगर तुम सोए रहे और ना उठे तो खुदा तुम्हें घसीट कर जगाएगा और उसका हर दफा का घसीटना पहले से ज़्यादा सख्त होगा फिर हजूर फरमाते हैं अब खुदा की नौबत फिर जोश में आई है और तुमको हाँ तुमको खुदा तला ने फिर इस नौबत खाने की ज़रब पुर की है ए आसमानी बादशाहत के मुसी ए आसमानी बादशाहत के मुसीकारो ए आसमानी बादशाहत के मुसीकारो एक दफा फिर इस नौबत को इस जोर से बजाओ कि दुनिया के कान फट जाएं एक दफा फिर अपने दिल के खून इस करना में भर दो कि अरस के किंगरे भी लरस जाएं और फरिश्ते भी कांप उठें ताकि तुम्हारी दर्दनाक आवाजें और तुम्हारे नारा है तकबीर और नारा है शहादत तोहहीद की वजह से खुदा तला ज़मीन पर आ जाए और फिर खुदा तला की बादशाहत इस ज़मीन पर कायम हो जाए इसी गरज़ के लिए मैंने तहरीक जदीद को जारी किया है और इसी गर्ज़ के लिए मैं तुम्हें वक्फ़ की तालीम देता हूँ सीधे आओ और खुदा के सिपाहियों में दाखिल हो जाओ मोहम्मद अलैहि वसल्लम का तख्त आज मसीह ने छीना हुआ है तुमने मसीह से ये तख्त छीन कर फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना है और महम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तख्त खुदा के सामने पेश करना है और खुदा की बादशाह दुनिया में कायम होनी है बस मेरी सुनो और मेरी आवाज़ के पीछे पीछे चलो कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो खुदा कह रहा है फरमाया ये मेरी आवाज़ नहीं मैं खुदा की आवाज़ तुम्हें पहुंचा रहा हूं। तुम मेरी मानो खुदा तुम्हारे साथ हो खुदा तुम्हारे साथ हो खुदा तुम्हारे साथ हो तुम दुनिया में भी इज्जत पाओ और आखरत में भी इज्जत पाओ बस आइए आज हज़रत मुस्लिम माऊद रजी अल्लाह तुकी की इस आवाज़ पर लबैक कहते हुए आपकी आप ही के अल्फाज में ये अहद करें कि फैलाएंगे सदाक़त इस्लाम कुछ भी हो जाएंगे हम जहां भी के जाना पड़े हमें महमूद करके छोड़ेंगे हम हक को आश्कार रुए ज़मी को खा हिलाना पड़े हमें अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फ़रमाए आमी वावाना अनिल जो हाज़री दी गई है इसके मुताबिक अल्लाह ताला के फजल से इस जलसे की हाजरी टोटल सात सौ चौंतीस है आठ ममालक के अफराद की इस वक्त यहाँ पर नुमाइंदगी है जिन में इन में छः सौ एक अहबाब जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं और एक सौ तैंतीस मेहमान हैं जो दूसरे ममालक से तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह ताला इन तमाम दोस्तों का यहाँ पर तशरीफ़ लाना मुबारक करे आमीन दुआ कर लें आमीन अल आम खाकसार की तरफ से तमाम बहनों और भाइयों को जलसा सालाना मुबारक होक ये दोस्त ऐलान सुन लें ये एक तो जमात आरगा की तरफ से है सदर साहब जमात की तरफ से ऐलान है कि तमाम आरगाओ की जमात के तमाम अफराद जो हैं वो वाइंड अप मकमल करके जाएँ और इजाज़त ले कर जाएँ इसी तरह अफसर जलसा सालाना साहब की तरफ से भी ये ऐलान है कि तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि वो ज़रूर किसी न किसी काम में हिस्सा लेकर जाएँ और इस तरह आप इस जलसे का अमली तौर पर भी हिस्सा बनकर जाएँ हर फर्द जमत इसमें ज़रूर हिस्सा लें